हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आप सोचोगे आज इतने बाल स्ट्रेट वगैरह कैसे है, इतना ऐसे रेडी होके कैसे बैठी हूँ मैं। तो अभी परसों के दिन फंक्शन था मेरे घर में, तो उसके लिए मैंने स्ट्रेट किया था। तो मैंने सोचा साथ ही साथ एक वीडियो भी शूट कर लिया जाए, नहीं तो मैं हीट ज़्यादा यूज़ करती नहीं अपने बालों के लिए। तो एनीवे, फालतू की बकबक बहुत हो गई, वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो फिक्स कैमरा। तो आज का वीडियो ऐसा है कि पेंटिंग ऑन रैंडम थिंग्स। मैंने पार्ट वन किया था इसका, जिसमें मैंने कोम पे, टैग पे, ऐसे रैंडम थिंग्स पे पेंटिंग करी थी। आज भी हम चार चीज़ों पे पेंटिंग करेंगे, बट आज का थोड़ा थीम डिफरेंट है। आज का थीम ऐसे कि छोटी चीज़ों पे पेंटिंग करेंगे, लाइक बहुत ऐसे थेरेप्यूटिक वीडियो है। लाइक कभी कभी ऐसे आपको रिलैक्सेशन, मेडिटेशन चाहिए, तो ऐसे पेंटिंग करना इज़ काइंड ऑफ रिलैक्सिंग थिंग्स। मेरे लिए तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जस्ट पेंटिंग करूँगी, जस्ट रिलैक्स करके पेंटिंग करूँगी। ऐसे कुछ ट्रिकी या कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट करने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यही वीडियो शूट करती हूँ। तो इसमें हम चार चीज़ों पे पेंट करेंगे, तो वो कौन कौन सी चीज़ें वो देखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रैंडम चीज़ जिसे हम पेंट करने वाले हैं, ये एक्रिलिक पेंट की छोटी सी बॉटल। तो इसके ऊपर मैं जेसो का कोट अप्लाई करूँगी, क्योंकि जेसो लगाने से जो फिनिशिंग अपने एक्रिलिक कलर में आती है वो किसी और चीज़ से आ ही नहीं सकती। तो मैं अच्छे से जेसो लगा रही हूँ, और जेसो लगाने के लिए एंड पेंट भी लगाने के लिए मैंने एक आइसक्रीम स्टिक पर छोटा सा स्पॉन्ज पेस्ट किया है ग्लू गन से, जिससे मुझे काम करना इजी हो जाता है। देन यहाँ पर मैं वॉयलेट कलर कर रही हूँ, वॉयलेट पर्पल कलर है एक्चुअली फैब्रिका का। तो उसको भी मैंने पहले ब्रश से लगाया, लेकिन मुझे वो फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने फिर से स्पॉन्ज का यूज़ किया। एंड अच्छे से एवरी कॉर्नर पे मैं कलर लगा रही हूँ। देखो जेसो के बाद कलर कितना ब्राइट दिखता है, तो जेसो इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे सब जगह पे अच्छे से मैंने पेंट कर दिया है। अब इसको ड्राई होने देंगे, ड्राई होने के बाद हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड लुक देंगे, इसलिए ड्राई होने देना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये ड्राई होने के बाद मैंने गोल्डन कलर लिया है, एंड इसको मैं नेक पे पेंट कर रही हूँ, एंड हाथों से मतलब फिंगर टिप से मैं वही कलर ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे इस बॉटल पे डिस्ट्रेस्ड लुक आएगा। तो हाथों से ऐसे ही लगाना है जिससे थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड लुक आ जाए। बहुत इजी प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी बॉटल पेंट हो गई, एंड इसको ड्राई होने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस तरह से इसको हमने पेंट किया है और ये फाइनली ऐसे दिख रही है। तो ये बॉटल जो मैंने पेंट की है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट जो रैंडम थिंग हम पेंट करने वाले वो है कार्ड। ताश के पत्तों के जो कार्ड्स होते हैं वो मैं पेंट कर रही हूँ यहाँ, उसको उसमें से एक कार्ड को मैं पेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इस कार्ड के चारों तरफ मास्किंग टेप लगा रही हूँ, एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, पर्शियन ब्लू, पता नहीं एक्चुअल शेड मुझे नहीं पता, बट ब्लू कलर लिया है, स्काई ब्लू कलर है ये। इसको अच्छे से मैंने कार्ड पर फैलाया है, एंड स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अच्छे से पेंट कर रही हूँ इसको। एंड ये पेंट होने के बाद इसको हम ड्राई होने देंगे, देन डॉटिंग टूल के हेल्प से हम इस पर फ्लावर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं येलो डॉट्स रख रही हूँ फ्लावर के बीच का पार्ट, एंड देन वाइट कलर से मैं इस येलो डॉट के चारों ओर फ्लावर बना रही हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जस्ट फॉर द थेरेपी गाइज, ये बहुत अच्छा प्रोसेस लगा था मुझे। लाइक मेरे को डॉट मंडला ट्राई करना है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट था, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया ये प्रोसेस। एंड देन थोड़े और डॉट्स यहाँ वहाँ लगा रही हूँ, थोड़ा और लुक आ जाएगा कार्ड पे इसलिए। एंड ये होने के बाद मैं मास्किंग टेप्स को हटा रही हूँ, स्लोली हटा रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारा बेसिक सा कार्ड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल कार्ड में पेंट हो गया। Thank you.
थर्ड चीज़ जिसे हम पेंट करने वाले हैं वो है ये टिक टैक पिंस, हम इसे टिक टैक पिंस बोलते हैं। तो इस पर मैं पहले पिंक कलर लगा रही हूँ, मतलब मैंने पेस्टल पिंक कलर रेडी किया है वाइट एंड पिंक कलर को मिक्स करके, एंड स्पॉन्ज से मैं पिंक कलर लगा रही हूँ अच्छे से। लाइक ये जो आइसक्रीम स्टिक पे मैंने स्पॉन्ज लगाया था ना, उससे ये प्रोसेस और ईजी हो रही है। तो अच्छे से मैं पिंक यहाँ पे मैं जैसो लगाना भूल गई थी एक्चुअली, तो मैंने क्या किया कि इसी पिंक कलर के मैंने दो कोट दिए क्लिप्स पे। हर एवरी कॉर्नर पे एवरी जगह हमें लगाना है कलर अच्छे से। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, जैसो नहीं लगाने से यही होता है गाइस, इसलिए फिर मैंने सेकेंड कोट इसका दिया वापस। आपके पास भी अगर जैसो नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेम ही कलर के दो कोट दे सकते हैं, बट क्यों ही कलर वेस्ट करना ना, हमें जैसो यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनको अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने एक डॉटिंग टूल लिया। आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ का यूज़ कर सकते हो या जीरो नंबर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। और अलग अलग कलर से मैं इन्हीं पिंस पे स्प्रिंकल्स बना रही हूँ। एक्चुअली मैं इन पिंक पिंस को कैंडी थीम में पेंट करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से पेंट किया है। एंड यहाँ पे हमारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट पिंस रेडी हो गई। यहाँ पे देखो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कितनी प्रिटी लग रही है। मैं अपनी नीस को ये गिफ्ट करने वाली हूँ। आपको कैसी लगी ये पिंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट रैंडम थिंग हम जिसे पेंट करें वो है टैग, जो ड्रेसेस के साथ आते हैं। तो ये टैग्स का कार्डबोर्ड बहुत अच्छा होता है, तो मैं इनको संभाल के रखती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एक टैग पेंट किया था। तो इस पर मैं सबसे पहले जैसो का कोट अप्लाई कर रही हूँ। देन ये टैग देखते ही मेरे को पता नहीं रेनबो वाली फीलिंग मतलब मेरे दिमाग में रेनबो आया सबसे पहले। तो मैंने रेनबो के सभी कलर्स को अरेंज किया एंड सभी को थोड़ा थोड़ा लगा के मैंने स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड कर दिया सभी कलर्स को। लाइक लाइन वाइज नहीं लगाना है, थोड़ा लगा के स्पॉन्ज से ब्लेंड कर देंगे सभी कलर्स को। तो वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, मतलब जो भी रेनबो कलर से मैंने एक्चुअली सर्च किया एंड देन सबको ऐसे लाइन वाइज लगा दिया और मैंने फटाफट फटाफट सबको पेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारा रेनबो कलर पेंट हो गया। देन इसके बीच में मैं एक हार्ट बना रही हूँ, व्हाइट कलर से बना रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक भी बना सकते हो, बट मेरा मन था व्हाइट से बनाने का तो मैंने व्हाइट से बनाया। देन अच्छे से हार्ट को पेंट होने के बाद मैंने ब्लैक कलर से थोड़ी और डिटेलिंग करी एंड देन उसी ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैंने इस हार्ट को बॉर्डर भी दिया। ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, बट इसको थोड़ी और डिटेलिंग देने के लिए मैंने जहाँ पे लाइट कलर से वहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से डॉट रखे हैं एंड जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से डॉट्स रखे हैं, जिससे ये और ब्राइट दिख रहा है। एंड लास्ट पे मैंने इन्हीं कलर से थोड़ी सी और डिटेलिंग दी है, लाइक कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया है टैग के, एंड हमारा ब्यूटीफुल सा टैग पेंट होके रेडी हो गया। इसका हम यूज एज अ बुकमार्क कर सकते हैं, मैं इसको एज अ बुकमार्क ही यूज करने वाली हूँ। तो आपने देखा कि जैसे हमने सभी लाइक छोटी छोटी टाइनी टाइनी चीज़ों पे पेंट किया, तो उसमें से सबसे पहले थी ये बॉटल। बॉटल को मैंने डिस्ट्रेस्ड लुक दिया है कि पहले मैंने पर्पल कलर करा है इसके ऊपर एंड गोल्डन कलर से मैंने डिस्ट्रेस्ड लुक दिया है। बहुत प्यारी, बहुत प्रिटी लग रही है। लाइक छोटी सी कहीं पे भी आप आपके शेल्फ में वगैरह इसमें थोड़े से फेक प्लांटर्स लगा के किसी भी शेल्फ में रख सकते हो। इट्स द बेस्ट, लाइक बहुत अच्छा है। एंड बहुत सारे ब्रांड्स की बॉटल है मेरे पास, तो और भी आगे वीडियोज आएंगे। देन सेकेंड इज दिस कार्ड। तो ये कार्ड्स मेरे भैया के थे, उसको मतलब वो यूज़ नहीं करता था तो उसने ऐसे ही रखे थे, तो मैंने उसमें से एक कार्ड निकाला और उस पर पेंट किया। लेकिन मैंने इस बार फ्लोरल चुना है, बट ठीक है इतनी सफाई नहीं है, मैं खुद भी अग्री करती हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ वॉल डेकोर और ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट थेरेप्यूटिक पार्ट था। तो मुझे मज़ा आया, मुझे डॉट मंडला करने में मज़ा आया, मुझे पेंट करने में मज़ा आया, तो मैंने ये भी इंक्लूड किया। देन थर्ड इज़ दिस, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट। एक्चुअली दो चीज़ें फेवरेट आज के वीडियो में, बट ये जो पिंस मैंने पेंट किए, मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे उसे पिंस पेंट करनी है बहुत पहले से, बट कभी मौका ही नहीं पड़ा।
तो आज मौका पड़ा तो मैंने सोचा क्यों ना पेंट किया जाए, तो मैं आपको पिंस लगा के दिखाती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है ये पिंस, देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड ऐसे ही आप और भी मतलब नॉर्मली भी पिंस को पेंट कर सकते हैं। एक्रेलिक पेंट की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यही है कि वो किसी भी चीज़ पे चढ़ जाता है। इस पर तो मैंने जैसो भी नहीं लगाया, नहीं तो जैसो लगाने के बाद तो और फिनिशिंग आती है, बट मैंने डबल कोट दे दिया था, मैं भूल गई थी जैसो लगाना। देन थर्ड वन, ये तो बहुत क्यूट है, ये तो बहुत, फोर्थ वन, ये तो बहुत क्यूट है। मैंने रेनबो कलर्स, लाइन वाइज रेनबो कलर्स पेंट किए हैं, बीच में हार्ट बनाया है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। इसको आप एज ए बुक मार्क यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत सही चीज़ है यार, बहुत कलरफुल। लाइक अगर मैं सुबह उठ के इसको भी देख लूँ ना, मेरा दिन बन जाए इतने कलर्स देख के। तो भाई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और कौन सी रैंडम थिंग्स पे पेंट कर सकती हूँ, उससे मुझे भी आइडियाज़ मिलेंगे। एंड आज की कौन सी चीज़ आपको पसंद आई वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड हैप्पी क्रिएटिंग।